केजीएफ फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। रिलीज होते ही इस फिल्म ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है। दर्शक जहां यह फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं इस फिल्म के कई ऐसे सीन हैं जो आपको एंटरटेनमेंट के एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। हम यहां पर इन्हीं में से एक सीन की बात कर रहे हैं जो रवीना टंडन और रॉकी यानी कि यश के बीच फिल्माया गया है। इस सीन में रॉकी प्रधानमंत्री से मिलने आता है और जब वो बाहर सोफे पर इंतजार कर रहा होता है, तब पहले इस सीन में एक विदेशी से रॉकी की मुलाकात होती है। वो विदेशी हाथ मिलाते हुए खुद को एक कंपनी का सीईओ बताता है, लेकिन यहाँ पर रॉकी यह नहीं जानता कि सीईओ क्या होता है। फिर वो एक चपरासी से पूछता है कि सीईओ क्या होता है। चपरासी उसे किसी कंपनी में सीईओ की क्या भूमिका होती है ये बताता है। इसके बाद रॉकी भी खुद को सीईओ बताता है। जब विदेशी उससे पूछता है कि आप किस कंपनी के सीईओ हैं, तो रॉकी खुद को इंडिया का सीईओ बताता है। वही इसके अगले सीन में उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री का रोल निभा रही रवीना टंडन से होती है, जहां वह रवीना टंडन से बात करते हुए अपने पास जो सोना है उससे पूरे देश का कर्ज चुकाने का ऑफर देता है। इसके बाद जब रवीना टंडन, जो कि इंदिरा गांधी से इंस्पायर रोल में नजर आ रही हैं, उससे थोड़े तल्ख लफ्जों में बात करती हैं, इस सीन में रॉकी खुद की कंप्लेंट करने की बात करता है। वो कहता है कि मैं खुद की कंप्लेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर खुद रवीना टंडन और उनके पास खड़ा पीए हैरत में रह जाते हैं, लेकिन कोई भी रॉकी के खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। वहीं रवीना टंडन को भी ऐसा न करने की हिदायत दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि रॉकी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करें। इस सीन में कन्नड़ स्टार रॉकी की इमेज बिल्डअप किया गया है। इसके साथ ही कई और सीन भी हैं जो आपके उत्साह को बढ़ा देते हैं। अगर आप दूसरे सीन के बारे में भी डिटेल से एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी फिल्मी कहानी के साथ।